नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं वर्षा और अब खबरें विस्तार से। दुबई पुलिस ने डॉन छोटा शकील के भाई और 1993 में मुंबई में हुए धमाकों के मामले में आरोपी अनवर बाबू शेखर को हिरासत में ले लिया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने इस खबर की पुष्टि की। ATS ने बताया कि मुंबई बम कांड के भगौड़े आरोपी अनवर को अबू धाबी हवाई अड्डे पर पुलिस ने रोका और उससे पूछताछ भी की। उसे बाद में हिरासत में ले लिया गया। जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद दुबई पुलिस ने अनवर का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। अनवर न केवल भारत के विभिन्न आतंकवादी घटनाओं का आरोपी है, बल्कि मुंबई तथा थाने में हुई कई आपराधिक वारदात के साथ उसके नाम जुड़े हैं। ATS अधिकारियों के मुताबिक अनवर को डाटा कानून के तहत भगोड़ा आरोपी घोषित करते हुए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमान मामले में सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर संशोधन याचिका को देश की सर्वोच्च अदालत एवं संसद का अपमान करार दिया है और उच्चतम न्यायालय से अपने फैसले को वापस लेने और सरकार को अवमानना का नोटिस देने का आग्रह किया है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि दो दिन से राफेल पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस का मानना है कि इसमें विरोधाभास है। उसने हमेशा कहा कि अदालत इस विषय के लिए सही मंच नहीं है। केवल संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC ही सही ढंग से जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस बीच कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि सरकार ने विमानों के मूल्य निर्धारण को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा जाँच करके रिपोर्ट को संसद में और फिर संसद की लोक लेखा समिति यानी PSC को देने और PSC की रिपोर्ट के अंश संसद को देने की बात सरासर गलत है। न CAG की रिपोर्ट आई, न PSC ने रिपोर्ट संसद को दी। सरकार ने संशोधन याचिका में यह कहा कि अदालत को अंग्रेजी का व्याकरण नहीं आता है। शर्मा ने कहा कि कल सरकार द्वारा अदालत में संशोधन याचिका दाखिल करने से साफ हो गया कि सरकार ने अदालत की अवमानना की है और अपमान किया है और अब उस पर जश्न मनाया जा रहा है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस विधायक दल के नेता चुन लिए गए। बघेल राज्य के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे, जबकि मंत्रिमंडल का गठन बाद में होगा। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राज्य के प्रभारी PS पुनिया की मौजूदगी में नवनिर्वाचित विधायकों की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में बघेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वह प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री होंगे। कमलनाथ राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे और उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश कर शपथ की तारीख और समय पर उनसे चर्चा की। राज्यपाल से मिलने के बाद कमलनाथ ने बताया कि 17 दिसंबर को 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो कि लाल परेड ग्राउंड में होगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद कमलनाथ प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री होंगे। 11 दिसंबर को आए चुनाव परिणाम में मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली हैं। वह बसपा के 2, सपा के 1 और 4 अन्य निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना रही हैं। पार्टी का दावा है कि उनके पास फिलहाल 121 विधायकों का समर्थन हासिल है। राज्यपाल ने कमलनाथ को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि कांग्रेस विधायक दल को विधानसभा में बसपा, सपा एवं निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त होने से प्रदेश में सबसे बड़े दल के नेता के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत कमलनाथ को मुख्यमंत्री नियुक्त करती हूँ तथा मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में चक्रवाती तूफान फेटे पिछले 6 घंटे के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। इसके अगले 24 घंटे के दौरान बेहद तेज होकर उग्र चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 17 दिसंबर के दोपहर में इसके उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने और मछलीपट्टनम तथा काकीनाडा के बीच आंध्र प्रदेश के समुद्र तट को पार करने की काफी संभावना है। स्थिति को देखते हुए 16 एवं 17 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियों को पूरी तरह स्थगित किया गया है। मछुआरों को 17 दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, उत्तर तमिलनाडु एवं पुडुचेरी तटों के दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम मध्य में न जाने की सलाह दी गई है। मछुआरों को 17 दिसंबर को
उड़ीसा के दक्षिण तटों के समीप न जाने की भी सलाह दी गई है। भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने राहत की सांस ली है, जब वह 2017 की विश्व चैंपियन नोज़ोमी ओकुहारा को हराकर विश्व टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जीत के साथ लंबे समय बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं। सिंधु ने सीधे गेम में जीत दर्ज की और विश्व टूर फाइनल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। लगातार तीसरी बार स्टार फाइनल में खेल रही सिंधु को पिछले साल जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ शिकस्त के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार 1 घंटे और 2 मिनट चले मुकाबले में ओकुहारा को 21-19, 21-17 से हराकर खिताब जीतने में सफल रही। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता सिंधु ने अहम मौकों पर धैर्य बरकरार रखा और अधिकांश समय जापान की खिलाड़ी पर बढ़त बनाए रखी। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।